एवरीबॉडी, आज हम अपनी नेक्स्ट डिश बनाने वाले हैं, वो है मैगी मसाला। मैगी मसाला आप लोग सादी मैगी तो बहुत बार खा चुके हैं, बट आज हम बनाएंगे मसाला मैगी, जिसमें ये सब इंग्रेडिएंट हैं। जिसके लिए हमें चाहिए ऑयल ऑब्वियसली, और हमें चाहिए 3 मीडियम टमाटर कटे हुए। टमाटर से और स्वादिष्ट बनती है मैगी। और मटर चाहिए हमें आधा कटोरी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और कांदे एक मीडियम भी काटेंगे चलेगा, या 2 छोटे भी काटेंगे। और ग्रीन चिलीज, और मैगी हम ले रहे हैं 2, इतने इंग्रेडिएंट के साथ। और जो मैगी मसाला है वो हमने साइड में रखा है, और इस मैगी मसाले के अंदर हम लोग और भी मसाले डालेंगे टेस्ट बनाने के लिए। मैं आपको बताऊंगी आगे रेसिपी में। चलिए हम शुरुआत करते हैं मैगी बनाने की। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच आपको ऑयल डालना है इसमें। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अनियन। ग्रीन चिली थोड़ा गरगरा हो गया है, अनियन को हम थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे, और मैगी मसाला में अभी हमने ऐड करने हैं, जो मैंने आपको बताए थे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए, हम आधा चम्मच मिर्ची और डाल रहे हैं, और पिंच ऑफ हल्दी, और आधा चम्मच धनिया डाल रहे हैं। और इसमें हम सॉल्ट भी एक्स्ट्रा डालेंगे। सॉल्ट हम इसमें थोड़ा सा 1/4 से थोड़ा सा कम सॉल्ट डालेंगे हम। फिर ये पूरा मसाला आप मिक्स करके ऐसे अच्छे से हाथ से आप पूरा ये जो रेड प्याज हो गया है इसके अंदर हम डाल देंगे, फिर इसको मिक्स देंगे। अब हम इसमें मटर डाल देंगे जो हमने धो के रखे थे, 1/2 कटोरी। अब मटर को थोड़ा सा नरम होने तक हम इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ ढक के रख देंगे। अभी हम देखेंगे कि मटर अच्छी तरह भूंज गए हैं। हाँ देखिए, मटर अच्छे से भूंज गए हैं। हम इसमें टमाटर डालेंगे, और टमाटर को पकने तक हम इसको ढक कर रखेंगे वापस 1.5 से 2 मिनट के लिए। फिर अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, अब हम इसको ढक के रख देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए स्लो आंच। अभी हम देखेंगे कि मसाला पक चुका है कि नहीं मैगी का। देखिए पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है, तो ये मसाला पक चुका है 2 मिनट में मैगी का। मटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 बड़े गिलास। अब गैस हम फास्ट कर देंगे। अब हम इतना ये जो गिलास है, ये गिलास हम पानी डालेंगे, और ऐसे ही सेम दूसरा गिलास पानी डालना है आपको। 2 गिलास आपको पानी डालना है, क्योंकि हमारी 2 मैगी बन रही है, तो हमें पानी की ज़रूरत है कि मैगी अच्छे से गल जाए। हमने पानी डाल चुके हैं 2 गिलास, तो जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम वेट करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें अपनी 2 पैकेट मैगी डालेंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था इसमें बॉयल आ गया है। अब आप हाफ करके भी मैगी डाल सकते हैं, और या फुल भी डाल सकते हैं, तो मैंने थोड़ी थोड़ी हाफ कर दी है। हाफ करने से प्रॉपरली आप खा सकते हैं, तो हम इसको हाफ कर देंगे, और हम इसको साइड में डाल देंगे पूरी मैगी, और ये गलने के बाद पूरी अंदर चली जाएगी। मैगी पूरी अंदर जा चुकी है, और जब तक इसका पानी सूखता है तब तक, ये आप देख रहे हैं पानी पूरा सूख लिया है 2 मैगी ने। अब हम इसको स्लो पे रख देंगे 1 मिनट के लिए ढककर। 1 मिनट हो चुका है, अभी हम चेक करेंगे मैगी का स्टेटस। आप देख सकते हैं पूरा पानी सूख चुका है, मैगी अच्छी छुरी हो चुकी है, मटर गल चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारा धनिया है वो डालेंगे, धनिया पत्ता। आप नहीं भी चाहते तो मत डालिए। हम धनिया पत्ते को मिक्स कर देंगे, हम लोग लास्ट एयर देंगे, और ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है हमारी मैगी।
ये मैगी बन चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में। ये हो गई है हमारी मसाला मटर मैगी तैयार, बहुत ही लजीज लग रही है ये। हम इसको गार्निश करेंगे हमारे ग्रीन हरे धनिया के साथ, और ये हमारी तैयार है मैगी। आपको ये बहुत पसंद आएगी, प्लीज़ ट्राई कीजिए। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हैप्पी बैली, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।